लास्ट पार्ट है अपस्ट्रीम स्विमिंग इन अ रिवर फ्लो। भाई नदी तो ऐसे बह रही थी, पर इस बंदे ने क्या किया, बहाव के साथ जंप नहीं किया, इसने ऑपोजिट टू द फ्लो किया, यानी कि इस तरफ जंप कर दिया, ऐसे स्विम करना शुरू कर दिया। तो जब ऐसे स्विम करेगा, रिवर राइट फ्लो कर रही है तो कहीं भी लैंड कर सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं भी लैंड कर सकता है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि ये स्विमर की वेलोसिटी है और रिवर का फ्लो कहां पर है, राइट है यूएफ, तो नेट वेलोसिटी क्या बनेगी, वी स्विमर की नेट एरी। तो मेरे हिसाब से अगर मैंने इतना बड़ा ट्राइंगल लिया तो लैंड कहां करेगा, सी पे। पर ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि सी पे, ऐसा भी हो सकता है लैंड यहां भी कर सकता था, मेरा ट्राइंगल भी इतना भी बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो कहां लैंड करवाएगा, पर मैंने अपने मन से सी ले लिया। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, एक्स डी, वो तो बी पॉइंट से लेना है हमने, तो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस आ गया। अब ये स्विमर के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक वी एस कॉस थीटा और एक वी एस साइन थीटा, तो दो कॉम्पोनेंट्स हो गए। कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसको स्विम करवाने के लिए ऑपोजिट बैंक में, तो क्या आंसर होगा, वी एस कॉस थीटा। और कितनी नेट वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट होता जा रहा है टूवर्ड्स राइट, यूएफ यूएफ माइनस वी एस साइन थीटा, क्योंकि स्विमर की एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिवर के फ्लो के ऑपोजिट है और रिवर का फ्लो राइट है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, यूएफ माइनस वी एस साइन थीटा। तो लिखा हुआ है कि रिवर क्रॉसिंग के लिए वी एस कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट की वेलोसिटी के लिए यूएफ माइनस वी एस साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और टाइम टू क्रॉस द रिवर में क्या होगा, डी को डिवाइड करना पड़ेगा वी एस कॉस थीटा से। ये अगर ऐसे नहीं करना तो ये भी कर सकते हैं, ए सी को डिवाइड करना पड़ेगा वी नेट से, ऐसे एक ही बात है, पर ज़्यादातर ये चलता है क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर क्वेश्चन में गिवन होती है। ड्रिफ्ट का डिस्टेंस निकालना है तो ड्रिफ्ट की नेट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, टी ऊपर से नीचे पुट करके आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये कैसे करना है।